हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ कुश्ती यानी रेसलिंग की हिस्ट्री एंड कुछ खिलाड़ियों के नाम जो आपके एग्जाम पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यदि आप अपने टीजीटी पीजीटी एलटी केवीएस एनबीएस यानी फिजिकल एजुकेशन की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए सिलेबस वाइज कॉन्टेंट को पढ़ना चाहते हैं तो अन्य सभी टॉपिक आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जैसे कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, किनेसियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत, इतिहास, भारत में शारीरिक शिक्षा के इतिहास, यूनान का इतिहास, स्पोर्ट्स मेजरमेंट, स्पोर्ट्स हिस्ट्री आदि के टॉपिक आप पूरे डिटेल में प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों, बस मेरे चैनल से जुड़े रहिए, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा डिटेल मिलेगा। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं रेसलिंग यानी कुश्ती के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कुश्ती खेल विश्व में लोकप्रिय और प्राचीन खेल माना जाता है। भारत में कुश्ती का इतिहास तो बहुत पुराना है। आप सभी जानते होंगे कि वेदों, पुराणों, महाकाव्यों, रामायण आदि पौराणिक ग्रंथों में कुश्ती का उल्लेख मिलता है। चीन, जापान, मिस्र और अमेरिका के इतिहास में भी इसका उल्लेख पाया जाता है, यानी इसका उल्लेख यूनानी तथा प्राचीन ओलंपिक काल में भी पाया जाता है। जैसे कि कुश्ती को पहले यूनान के काल में एक व्यायामशाला हुआ करता था जिसका नाम था पेलेस्ट्रा। तो कुश्ती को यूनान के पेलेस्ट्रा में खेला जाता था, बहुत प्रसिद्ध था उस समय, यानी स्पार्टा, यूनान के स्पार्टा और एथेंस काल में कुश्ती बहुत प्रसिद्ध था और यूनान के पेलेस्ट्रा यानी व्यायामशाला में यह खेला जाता था। दोस्तों, कुश्ती दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की है, ग्रीको रोमन एंड फ्री स्टाइल। ग्रीको रोमन कुश्ती को ओलंपिक में शामिल 1896 एथेंस ओलंपिक में ही शामिल किया गया एंड फ्री स्टाइल कुश्ती को 1904 के सेंट लुइस ओलंपिक में शामिल किया गया एंड महिलाओं को ओलंपिक में शामिल 2004 एथेंस ओलंपिक में किया गया। दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि कब कौन ओलंपिक में शामिल हुआ। तो ग्रीको रोमन 1896 एथेंस ओलंपिक में, फ्री स्टाइल 1904 सेंट लुइस ओलंपिक में, अब महिलाओं की कुश्ती ओलंपिक में 2004 एथेंस में शामिल हुआ। जैसा कि आप इस पॉइंट को अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट है विश्व कुश्ती संघ यानी फिला, फेडरेशन इंटरनेशनल डी ल्यूट्स एसोसिएशन या इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएटेड रेसलिंग, यानी फिला फेडरेशन इंटरनेशनल डी ल्यूट्स एसोसिएशन को अब यानी फिला की स्थापना जो है 1912 में हुआ था। विश्व कुश्ती संघ फिला की स्थापना 1912 में हुआ था, लेकिन अब इसको UWW कहा जाता है। फिला को अब क्या कहा जाता है, UWW यानी यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW कहा जाता है। इसके वर्तमान अध्यक्ष नेनाद ललोविच हैं, मुख्यालय कॉर्सियर स्विट्जरलैंड है। अब बात एशियन एसोसिएटेड रेसलिंग कमेटी, जिसका मुख्यालय सियोल कोरिया में है। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, भारतीय कुश्ती संघ WFI यानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1948 में हुआ। वर्तमान अध्यक्ष मिस्टर ब्रजभूषण शरण सिंह है। ये 2019 को लगातार तीसरी बार निर्विरोध ये चुने गए हैं अध्यक्ष, मिस्टर ब्रजभूषण शरण सिंह भारतीय कुश्ती संघ के वर्तमान अध्यक्ष हैं और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। दोस्तों, जैसा कि विश्व कुश्ती संघ फिला 1912 में यानी UWF, भारतीय कुश्ती संघ 1948 में इसकी स्थापना हुआ। दोस्तों, ये था कुश्ती से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, और कुश्ती से इतने ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपसे पूछा जा सकता है और इससे ज्यादा नहीं है। और हम नेक्स्ट बात करेंगे कुश्ती के कुछ खिलाड़ियों के बारे में। कुश्ती के कुछ खिलाड़ियों में मैं सबसे पहले बात करूंगी कि ओलंपिक में अब तक कितने कुश्ती के खिलाड़ी हुए हैं, कौन कौन से नाम हैं वो जो ओलंपिक में मेडल पाए हैं।
सबसे पहला नाम आता है केडी जाधव जी का, जो 57 kg भार वर्ग में फ्री स्टाइल में 1952 हेलसिंकी फिनलैंड ओलंपिक में कांस्य पदक जीते थे। और यह एकल प्रतियोगिता यानी इंडिविजुअल इवेंट यानी व्यक्तिगत इवेंट में भारत के लिए पहला पदक प्राप्त करने वाले ये व्यक्ति बने केडी जाधव जी। उसके बाद सुशील कुमार आते हैं। सुशील कुमार जी 2008 के बीजिंग चीन ओलंपिक में कांस्य पदक जीते हैं 66 kg फ्री स्टाइल कुश्ती में, एंड ये दूसरा मेडल 2016 रियो ओलंपिक में रजत पदक सुशील कुमार जी रियो ब्राजील में जो हुआ था रियो डी जेनेरो में 2016 में उसमें सुशील कुमार जी ने रजत पदक प्राप्त किया है। तो सुशील कुमार जी ऐसे रेसलर हैं जो ओलंपिक में 2 पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी हैं। एंड नेक्स्ट है योगेश्वर दत्त, जो 60 kg भार वर्ग में 2016 रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीते हैं। एंड नेक्स्ट आता है साक्षी मलिक। साक्षी मलिक जी रियो ओलंपिक 2016 में 58 kg फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीती हैं। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि साक्षी मलिक जी प्रथम भारतीय महिला रेसलर ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला रेसलर हैं। रवि कुमार दहिया जैसा कि आप सभी जानते होंगे ये प्रेजेंट का बात है, जो रियो टोक्यो ओलंपिक 2020 हुआ था अभी अभी। तो रवि कुमार दहिया 57 kg में रजत पदक प्राप्त किए हैं 2020 टोक्यो ओलंपिक में। एंड बजरंग पुनिया भी 65 kg फ्री स्टाइल में कांस्य पदक 2020 टोक्यो ओलंपिक में जीते हैं। यानी ओलंपिक में अब तक 6 रेसलर हैं जो ओलंपिक पदक जीते हैं। तो ये था आपके ओलंपिक में कुश्ती खिलाड़ी जो पदक जीते हैं। अब मैं बात करूंगी एशियाई खेलों में कुछ नाम जो भारत को ओलंपिक पदक दिलाए हैं, एशियाई पदक दिलाए हैं। ठीक है, कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो भारत को पदक दिलाए हैं एशियाई खेलों में। तो 2014 के एशियाई खेलों में किसने केवल मैं गोल्ड मेडल की बात करूंगी इसमें एशियाई राष्ट्रमंडल में। एशियाई खेलों में 2014 के एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं कुश्ती में योगेश्वर दत्त 60 kg भार वर्ग में, ये उनका अब तक का 4th गोल्ड मेडल था योगेश्वर दत्त जी का। एंड 2018 इंडोनेशिया पालेमबांग में एशियाई खेल संपन्न हुआ था, इसमें कौन गोल्ड मेडल लाया था, बजरंग पुनिया जी 65 kg फ्री स्टाइल में। जैसा कि बजरंग पुनिया जी इस बार 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भी कांस्य पदक लाए हैं, तो 2018 के एशियाई खेलों में बजरंग पुनिया जी 65 kg फ्री स्टाइल में गोल्ड लाए हैं। एंड विनेश फोगाट 50 kg भार वर्ग में गोल्ड मेडल लाए हैं। अब मैं बात करूंगी राष्ट्रमंडल खेलों में। राष्ट्रमंडल खेलों में 2010 में गोल्ड लाने वाले कुश्ती खिलाड़ी हैं गीता फोगाट 55 kg, अलका तोमर 59 kg, अनीता 67 kg एंड एकेश्वर दत्त 60 kg, सुशील कुमार 66 kg भार वर्ग में। एंड 2018 जो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ था राष्ट्रमंडल खेल, उसमें कौन कौन कुश्ती खिलाड़ी थे, तो सुशील कुमार जी जीते थे 74 kg वर्ग में राष्ट्रमंडल में, ये लगातार इनका 3rd गोल्ड मेडल था। तो दोस्तों ये था कुश्ती से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही इसमें ऐड किया गया है। दोस्तों इसके मेजरमेंट की बात करें तो मैं एक अलग से वीडियो मेजरमेंट में बनाऊंगी। ये आपकी हिस्ट्री था एंड कुछ खिलाड़ियों के नाम जो अक्सर आपको पूछ लिया जाता है। तो इसमें साक्षी मलिक, सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त यानी जितने भी खिलाड़ी हैं 2000 टोक्यो ओलंपिक में 2020 में जितने जीते हैं सब इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों 1 से 2 बार वीडियो ध्यान से देखिएगा, सब याद हो जाएगा। दोस्तों सिलेबस के रिगार्डिंग पढ़ने के लिए इस चैनल पर बने रहिए एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, अपने ग्रुपों में शेयर कीजिए, जिससे आपके माध्यम से उन तक भी ये वीडियो पहुँच सके। एंड दोस्तों जितने भी टॉपिक अभी बाकी हैं सब पे मैं लगातार वीडियो बनाऊंगी, तो आप चैनल से जुड़े रहिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।